हेलो दोस्तों, मैं हूं कुशा अगर और आप लोग देख रहे हो एपिक बिल्डर गेमिंग ओवरलोडेड। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सर्वाइवल सीरीज़, और वो भी शेडर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस सीरीज़ में, क्योंकि हम शुरू करेंगे शेडर्स के साथ। और आप लोग देख लो आसपास, मैं इस शेडर के साथ खेलने वाला हूँ। ये पहले टेस्टिंग के लिए मैंने खोला है, सबको दिखाने के लिए कितना कूल दिखने वाला है। तो अब मैं इससे स्टार्ट कर लेता हूँ खेलना। तो अब चलो शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर। ओह वाह, कितना सुंदर दिखता है यार शेडर्स के साथ सब कुछ। और आसपास सही है। मैं अब क्या करूँ, सबसे पहले तो लकड़ी तोड़ते हैं इस गेम के अंदर। इसका तो पहला रूल ही है सर्वाइवल में, लकड़ियाँ तोड़ो। तो चलो तोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैंने जल्दी जल्दी करके तोड़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे जाना है हमें पहले। ओह माउंटेन्स, मेरा बहुत ज़्यादा मन है वहाँ पे घर बनाऊँ। लेकिन यार थोड़ा एडवेंचर कर लेते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। मैं हमेशा जब भी सर्वाइवल सीरीज शुरू करता हूँ, सर्वाइवल शुरू करता हूँ अपना, तो मैं थोड़ा घूमता हूँ आसपास। तो देखते हैं जंगल की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही पहाड़ की तरफ कुछ करता हूँ, इस बार कुछ नया करते हैं। तो चलो जंगल की तरफ घूमें। यार इतनी देर सफ़र करने के बाद मैं थक गया, थोड़ी और लकड़ियाँ ले लेता हूँ। ओह मैंने कुछ नोटिस किया, आपको भी दिख रही है वो चीज़, विलेज, डेजर्ट विलेज। सामने डेजर्ट है और एक डेजर्ट विलेज है। मज़ा आ गया यार, पहले तो लकड़ियाँ तोड़ लूँ बची हुई पेड़ की। तो चलो यार विलेज की तरफ चलते हैं और मैं देखते हैं क्या मिलेगा हमें वहाँ पर। तो मैं विलेज में आ चुका हूँ, अब यहाँ से मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं विलेज में, अब चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं, जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। और दो बेड, मैं एक उठा लेता हूँ यार, ग्रीन वाला उठाता हूँ, वाइट वाला इतना कुछ खास नहीं लगता अब। तो ग्रीन बेड मैंने उठाया है, अब एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। ओ भाई, तो मैं पहले हेबेल ले लेता हूँ, हेबेल से फूड बना लेता हूँ यार मैं। 9 वीट निकाल के अब ये 3 ब्रेड बन जाएंगी। अब खाने का तो जुगाड़ हो गया है, क्योंकि ये इन विलेजेस में बहुत ज़्यादा हेबेल होता है। बेशक खेत हो ना हो, इनके पास हेबेल ज़रूर होते हैं। तो कुछ टाइम के लिए खाने का जुगाड़ है मेरे पास, लेकिन अभी थोड़ा एक्सप्लोर और कर लेता हूँ। तो कुछ अलग सा लग रहा है यार ये वाला घर, यहाँ पे कुछ हिडन है क्या, आसपास कुछ छुपा रखा है इन्होंने, देखता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है, कुछ डाउट है नहीं है फालतू में है देखा। और ये कैसा पैटर्न बना हुआ है, ये घर मुझे कुछ अलग टाइप का लग रहा है। बैरल्स, खजाना, अबे खाली खाली इसमें होगा, कोई उम्मीद ही नहीं है, नहीं कोई उम्मीद ही नहीं है अब। लेकिन यार ये घर कुछ अलग सा है। ओ हिडन बैरल, इधर कुछ होगा। अबे ये क्या डिज़ाइन के लिए लगा रखे हैं, पर इस घर में है क्या यार, ये अलग डिज़ाइन का, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा है। आप लोग बताओ ऐसे घर में क्या होता है, अगर आप लोगों ने ऐसा घर देखा है तो यार मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसे तोड़ के देख लेता हूँ कि ये घर ऐसा क्यों है। तो तोड़ा जाए इसे, तो यार जल्दी से टूट जा। और ये घर सचमुच कुछ मिस्टीरियस और अलग टाइप का है यार, यहाँ पे क्या हो सकता है। और रात हो रही है, मैं कल सुबह आके देखूंगा, लेकिन देखूंगा ज़रूर। अगर आपने आज तक ऐसा घर देखा है तो मुझे बताना, यहाँ तक कि मैं सीड डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप लोग बता देना कि ऐसा कुछ आपने पहले देखा है या नहीं। और सीड में मैं आपको इसका इसके कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा विलेज के। तो ओ चेस्ट, ओ भाई पॉलिश्ड एंड, ओ भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये नेचुरली मिलती है या नहीं मिलती। पर मेरे को चेस्ट में ये पड़ी हुई मिली, यहाँ तक कि मैं अपना सीट देने वाला हूँ और उसके अंदर इस विलेज के कोऑर्डिनेट्स भी दूंगा। आप लोग देख के बताना कि यार ये सब कैसे मिल रहा है। लेकिन जो भी अच्छा है खाना बना लेता हूँ जल्दी से, और आप लोग उस घर का रहस्य ज़रूर सुलझाना। वो अजीब सा घर, मेरे को भी देखना है उसके अंदर क्या है, मुझे वो कुछ अलग लग रहा है। मैं नीचे सीट देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर चेक करना यार। इस घर के आसपास बने हुए पैटर्न और सब कुछ अलग है,
मैं ज़रूर अभी ढूंढने वाला हूँ, पर पहले पूरी विलेज एक्सप्लोर कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये जो वीडियो है फास्ट मोशन में चल रही है, मुझे पता है मैं फास्ट में ही चलाने वाला हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ जिससे मेरी आवाज़ नॉर्मल सुनाई दे। और ये क्या, बहुत कुछ मिल गया एक चेस्ट के अंदर। भाई ये सीड पे आप लोग खेल के देखना, मेरे को इस सीड में कुछ गड़बड़ लग रही है, पर आप लोग खेल के देखना इसके अंदर। यार वो घर सबसे बड़ी अजीब चीज़ है। तो देखते हैं कि अब उस घर को सॉल्व करके कि उस घर में ऐसा है क्या। हम आ चुके हैं इस घर के पास और इसका बैक साइड है, तो वही है जो मैंने लूटा था। अब यार चलो पहले खाना बना लिया जाए, थोड़ा खाना नहीं और मतलब थोड़े टूल्स बना लेता हूँ मैं। और मेरे पास कबल स्टोन है तो मैं फालतू में वुड प्लैंक से क्यों बनाऊँ, सीधे कबल स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ। अब आसानी से हम घर उस घर को एक्सप्लोर कर पाएंगे क्योंकि अब हमारे पास एक पिकैक्स है। मज़ा आ जाएगा यार, चलो एक्सप्लोर करते हैं। नीचे कूद चुका हूँ मैं और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वाव, ओ भाई ये एक डेजर्ट टेम्पल है, इस घर के अंदर एक हिडन डेजर्ट टेम्पल है। आप लोग यहाँ पे आके ज़रूर देखना। इसे लेके वहाँ जहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे, मैं घर नहीं अभी एक टेंट बनाने वाला हूँ, एक टेम्परेरी टेंट, तो जल्दी से बना देता हूँ। पहले तो मैं एक वो ब्रिज बना रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट कर लेता हूँ मैं अपना, कर ही लूँगा वैसे वीडियो में। और ये हो चुका है फास्ट मोशन में, वीडियो जा चुकी है मेरी और यहाँ पे ब्रिज बन चुका है हमारा, बहुत ही ज़्यादा कूल ब्रिज बना है। अब जल्दी से शुरू करते हैं अपना घर बनाना। तो जो हम अपना टेंट बनाएंगे वो भी मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। मेरे को जो पॉलिश्ड एंसडाइन मिली थी मैं उन्हीं से बनाने वाला हूँ, सारा सामान है, अब जल्दी से मैं बना लेता हूँ एकदम। तो फिर से हम थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मोशन में जाएंगे, 1.9x में, ज़्यादा नहीं। तो जल्दी से चलते हैं। तो यार जल्दी जल्दी से हम पहले सामान तैयार कर लेते हैं। पहले मैं कुछ स्टेयर्स बनाऊंगा जो अपने घर के ऊपर की तरफ लगाऊंगा, उनसे मैं छत बनाने वाला हूँ। टेंट बना रहा हूँ बेसिकली मैं, एक छोटा सा अभी कुछ टाइम रहने के लिए, और इसके बाद मैं घर बनाऊंगा। मैं हमेशा गुफाओं में रहता था स्टार्टिंग में, लेकिन कभी कभार मैं कुछ नया ट्राई करता रहता हूँ। तो इसीलिए क्योंकि मेरे को एक पॉलिश एंसोडाइन मिल चुकी है, इसीलिए मैं अभी एक टेंट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो जल्दी से टेंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं 3x3 मतलब 5x5 का टेंट बनाऊंगा। पहले नीचे जो फर्श है वो अच्छा कर लेता हूँ। तो ये मेरी एंथोडाइन आ गई, लगा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे तो विंडो बनेगी बीच में, इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ और पीछे पूरा भर दूँगा सिंपल। तो ये होगा मेरे उसका ढांचा टेंट का, आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर कोई भी मूव नहीं आ सकता, क्रीपर या कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि एक ही ब्लॉक के अंदर घुसने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि कोई अंदर घुसेगा कैसे, यार अंदर घुसने का सिंपल सा तरीका है। जब 1.14 अपडेट आया था तो उसमें एक और अपडेट आया था कि हम क्राउच भी हो सकते हैं और क्रॉल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्रॉल करके अंदर जाऊंगा और वो उसमें मेरी मदद करेंगे ट्रैप डोर्स। ये 1.14 बहुत ही बढ़िया अपडेट था। मैं अंदर जाने वाला हूँ घर के, लेकिन पहले थोड़ा काम कर लेता हूँ, जल्दी से ये लगा लेता हूँ मैं। तो अब अपनी जल्दी से छत पूरी कर ही लेता हूँ। ये मेरी लगभग छत पूरी हो चुकी है टेंट की, लेकिन ऐसे अच्छी नहीं लग रही। ओ यार क्या खेल रहा हूँ मैं, तो जल्दी से कर लेता हूँ मैं। यार मेरे को और टूल्स की ज़रूरत है जिससे मैं सारी चीज़ें जल्दी तोड़ पाऊँ, अगर गलत मैं प्लेस कर दूँ तो मेरे को बनाने तो पड़ेंगे, बना लूँगा अभी। और ये इतना कूल घर मेरा तैयार हो ही गया, जल्दी से अब पूरा कर लेता हूँ। नीचे वाला तोड़ देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। और ये इस तरीके से मेरे कूल टेंट का ट्रायंगुलर शेप पूरा हो जाएगा। मस्त लग रहा है यार घर देखने में तो, लेकिन अब रहने की बात है, रह के देखेंगे। जल्दी से बना लेते हैं अपना फर्नेंस, क्योंकि ये भी हमारे टेंट में होगा। हमारे टेंट के अंदर सारी ज़रूरी चीज़ें होंगी जिससे हमें सर्वाइव करना है। हमें टेंट इस तरीके का बनाना है, अंदर 3x3 की जगह है लेकिन उसके अंदर हर एक ज़रूरी चीज़ होगी। क्राफ्टिंग टेबल, बेड, फर्नेंस, चेस्ट, और यहाँ तक कि वो भी होने वाला है हमारा। अरे एक वो बना देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसे, फेंस, उस पर अच्छी लगेगी टॉर्च। और वहाँ पर हमारी खुद की एक वो भी हो सकती है, क्या बोलते हैं उसे, माइन। तो जल्दी से पेड़ की कुछ वुड लॉक्स तोड़ लेता हूँ मैं। तो अब वुडलॉक्स तोड़ रहा हूँ जल्दी से, जल्दी से मैं वो कर लेता हूँ, क्या ग्लास बन गया, ग्लास लगा देता हूँ टेंट के ताकि कोई एरो ना मार सके स्केलेटन वगैरह। तो ये भी तैयार हो गया। अब हमारे पास टॉर्चेस भी हैं, सब कुछ है हमारे पास। अरे कुछ रह गया शायद मेरा,
हाँ, थोड़ा कबल स्टोन ले आता हूँ मैं जल्दी से, वेपन्स बना लेता हूँ यार थोड़े, तो यहाँ पे जल्दी से तोड़ लेता हूँ कबल स्टोन्स इससे, क्योंकि अब मेरे को लकड़ी के वेपन्स बनाने हैं। तो कबल स्टोन आ चुके हैं, वापस चलता हूँ। मैंने पहले भी यहीं से वो लिए थे कबल स्टोन, इसी जगह से, इसीलिए पहले से यहाँ पे सैंड आपको दिख रही होगी। तो आ चुका हूँ, अब जल्दी से अपने वेपन्स बनाता हूँ, थोड़ी वुडन प्लैंक्स, उसके बाद थोड़ी सी लकड़ियाँ, और फिर उसके बाद ये बना लेता हूँ चेस्ट। एक चेस्ट भी बन गया हमारा। अब मेरे को कुछ चाहिए, एक तलवार, और मेरे को चाहिए एक ये एक्स, एक्स के बाद मुझे चाहिए एक शावल। तो मेरे सारी चीज़ें, सारे टूल्स पूरे हो चुके हैं। सही है यार, अब मेरे सारे टूल्स तो आ चुके हैं, अब मेरे को ज़रूरत तो किसी चीज़ की वैसे है नहीं। जल्दी से मेरे को वो फेंस लगा के, ऊपर टॉर्च भी लगा देनी चाहिए, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। ऐसे बनेगी फेंस, और ये लग गई, और इसके ऊपर अब टॉर्च लगा दूंगा मैं। अरे हाँ, लग गया। अब रात हो रही है, जल्दी से हमें अपने घर के अंदर घुसना होगा, तो चलो यार जल्दी से घुस जाते हैं। अरे पास खड़े होके ट्रैप डोर दबाना है। अब हम घर के अंदर घुस चुके हैं यार, और ये अंदर भी एक ट्रैप डोर लगा देते हैं जिससे हम बाहर जा पाएँ। तो हमारा टेंट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखो ट्रैप डोर की मदद से मैं कैसे जा पा रहा हूँ। अब यहाँ पे सब कुछ मैं लगा देता हूँ, जैसे मतलब लगाना है, एडजस्ट कर लेता हूँ अपने टेंट में। मेरे को यहाँ पे एक माइन बनानी है, पर इधर अच्छी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ठीक रहेगा। इधर ही ठीक है। चलो 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 यार, मेरे को थोड़े वो चाहिए। मैं पहले डेजर्ट टेंपल को कर लेता हूँ कि उसके अंदर क्या है। डायमंड्स हो तो अच्छा है, मज़ा आ जाएगा पहली वीडियो में डायमंड्स। देखते हैं, ब्लॉक्स ले लेता हूँ डर्ट के, क्योंकि ऊपर भी आना है। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा पूरा डेजर्ट टेम्पल। चलो चलते हैं अंदर, ये मैंने बंद किया था। चलो अंदर चले हैं। ये ओ भाई, ओ भाई, ओ मैंने प्रेशर प्लेट तोड़ दी। अच्छा है, मैं तो डर गया था, बेकार कचड़ा, फिर भी ले लेता हूँ, प्रेशर ही तो है। सब कचरा ले लो, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब उठा लूंगा, लुटेरा हूँ मैं। वाह, सब उठा लूंगा मैं, बेकार चीजें। तो यार शेडल मिल गई, अच्छी बात है। यार आए डायमंड नहीं मिले। ओ यार डेजर्ट टेंपल में यार आयरन तो, वो डायमंड तो होते ही है, मैं चेस्ट भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही बेकार टेंपल था, डायमंड नहीं मिले मेरे को। मैं TNT भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे भाई वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे चलो देखते हैं। यहाँ पे केव है, मज़ा आ गया। ओ आयरन, चलो जल्दी से इसे लिया जाए। एक और, अरे टॉर्च, मिले आगे जाके देखता हूँ मैं। अरे यार टॉर्च नहीं है, बाद में आऊँगा, पर एक्सप्लोर तो मैं ज़रूर करूँगा। चलो ऊपर चलते हैं, अब इसीलिए लाया था मैं सिर्फ डर्ट, सिर्फ इस काम के लिए। तो मैं आ चुका हूँ, और ऊपर जाना है। विलेजर यहाँ क्या कर रहा है, इसे तोड़ के ऊपर आ जाऊंगा मैं ऊपर। यहाँ से भी वापस बंद कर दो। स्मूथ सैंड है वो, थोड़ा ये भी ले लूँ। खाना 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 खाना। घर में आ गया मैं, अब मुझे खाना ले लेना चाहिए पहले, ये सब रख के। तो ये रख दूँ मैं, खाना बना लेता हूँ पहले। तो यार खाना मैं इस सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ करने वाला हूँ, जैसे कि मैं मॉब ग्राइंडर भी बनाऊँगा स्पेसशिप के डिज़ाइन में, बहुत कुछ।
तो अब चलते हैं अपने इसके अंदर केव में। केव ढूंढ ली, ओ भाई आगे केव हमारी इनबिल्ट माइन में, पर इधर कुछ नहीं है। और क्रीपर भाग 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 भाग, ओ भाई बच गया, गया क्रीपर। अब तो 8 ब्लॉक से दूर का दिखता ही नहीं है अंधा, मुझे पूरे जितने ब्लॉक का दिखाना है दिख जाता है। तो मुझे मिल गया आयरन, उठा ले उठा ले। हाँ अब क्रीपर से लड़ने जा रहा हूँ मैं, जो भागो मतलब लड़ने नहीं भागने। और ये रे क्रीपर फट, आना आना, ऊपर ही फट गए। क्या गिराया, कितना सुंदर लगता है यार सीडर्स में। ओ आयरन, आज तो मेरे आयरन टूल्स का भी टास्क पूरा पहली वीडियो में, मजा आ गया, पूरे टास्क पूरे हो गए मेरे, बस टूल्स बना के दिखाने हैं। जल्दी यार, हाँ ये रहा टेंट, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, चल अंदर। अब हमारे पास इनबिल्ट माइन है, आयरन है हमारे पास, टूल बना लूँगा, हमारे पास बहुत कुछ है रेयर आइटम्स। आपको ये सीट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आयरन बना लेते हैं पहले, सब रख लो। आयरन भी बनाना है यार, ये फालतू की वजह से बनाऊँगा बची हुई चीज़ें। तो आयरन बन चुका है, मैं आ चुका हूँ आयरन लेके, मेरे को टूल्स बनाने हैं बस। आयरन पिकैक्स और आयरन की स्वॉर्ड हो गया, मेरा आयरन टूल्स तैयार हो गए, और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा टेंट में एक चीज़ की कमी है, वो है वाटर, वो भी आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट तक। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, ये 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो थी जो मैंने सिर्फ वो 20 मिनट के अंदर ली है, क्योंकि मुझे पता है कि लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। जैसे अल्फा ग्रुप की 30 मिनट की वीडियोज़ होती हैं और कोई भी उसे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखता, इसलिए मैंने छोटी की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।